तो दोस्तों आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, जहां से जनरली बहुत सारे लोग मध्यकालीन इतिहास को रिलेट भी करते हैं। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहां से हम लोग का दिल्ली सल्तनत शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, देखिए होता क्या है, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भारत में देखिए वो चाहे प्राचीन इतिहास हो चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, इसमें एक चीज़ आपको बार बार दिखेगी कि जब कोई एक ऐसा वंश आएगा जिसने पूरे भारत साम्राज्य को एक छत्र साम्राज्य में स्थापित किया, तो उसके बाद उस वंश का जब विघटन होता है, उसका जब पतन होता है, तो आप देखेंगे कि जो बड़ा सा एम्पायर है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, तो वहाँ से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब उत्तर भारत में किसी एक वंश का पूर्णतया शासन नहीं चल रहा होता है, तो यहाँ आप देखेंगे कि विभाजनकारी शक्तियाँ बहुत मजबूत होती हैं और छोटे छोटे यूँ कहें कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान के और पश्चिम का जो क्षेत्र है, ईरान है, इराक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कबीलाई जनजातियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और वो यूँ समझे कि उनके पास बहुत असुविधाएं थी, सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो वो अपनी असुविधाओं को मिटाने के लिए या यूँ कहें कि नए प्रयोग करने के लिए, नई जगहों को देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि आक्रमण करना शुरू किया। क्योंकि ये जनजातियां जो थी बहुत खतरनाक थी और इसका प्रभाव आपको मध्यकालीन इतिहास में दिखता है जहाँ से इनका आगमन होता है। तो देखिए एक रचना है जिसका नाम है चचनामा। तो जो भारत में पहली बार अरबों का आक्रमण होता है तो ये 712 ईस्वी की बात है, मतलब 8वीं सदी में आक्रमण शुरू हो जाता है। तो अरब का आक्रमण सबसे पहले होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में अरबियों ने, मतलब अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी हमको चचनामा से मिलती है। चचनामा जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी किस रचना से मिलती है, तो आंसर याद रखिएगा चचनामा। तो चचनामा एक ग्रंथ है जिसकी सहायता से ये पता चलता है कि भाई भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको केवल इतनी जानकारी याद रखनी है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद सीधे हम लोग आते हैं महमूद गजनवी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी जो था, इसने भारत पर जब आक्रमण किया, देखिए महमूद गजनवी के पीछे का ये है कि एक सुल्तान था जिनका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन जो थे उनके दामाद थे सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के ही लड़के थे महमूद गजनवी। ये गजनी को इसने राजधानी बनाया था, या संभवतः कुछ लोग इससे रिलेट करते हैं कि गजनवी भी वहीं के हैं, चूंकि उनकी राजधानी गजनी थी तो वहीं से इनका तात्पर्य लिया जाता है। तो महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। अब महमूद गजनवी का जो आक्रमण होता है भारत में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जो भी आक्रमण होता था वो शासन सत्ता को संभालने के लिए नहीं था, चूंकि इनके पास संपन्नता की बहुत ज़्यादा कमी थी, ये धन ऐश्वर्य के मामले में बहुत कमज़ोर थे ये लोग, तो इनको सबसे ज़्यादा इनको जो ज़रूरत थी वो पैसों की ज़रूरत थी, संसाधनों की ज़रूरत ज़्यादा थी, उसके चक्कर में ये आक्रमण भारत में होने शुरू होते हैं। और ये जो महमूद गजनवी का आक्रमण, जैसे कि आप जानते होंगे, आप सबको पता है, यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक, या कहीं कहीं 1027 ईस्वी भी मिलता है, तो कहा जाता है कि कुल 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अब आप सोच के देखें कि 17 बार अगर आक्रमण कर रहा है कोई, तो उसकी मंशा अब आक्रमण करता था और लूट के संपदाओं को लेके चला जाता था, उसका उद्देश्य कभी शासन करना भारत में था ही नहीं। तो जैसा आप जानते हैं कि 1000 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। जैसा कि आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर था, उसको भी लूटने का काम महमूद गजनवी ने भारत में किया था। तो जो सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम था वो याद रखिएगा 1025 ईस्वी, यहाँ बता दे रहे हैं 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और उस समय वहाँ जो गुजरात के जो राजा थे वहाँ पर, वो थे भीम प्रथम। आप जानते हैं सोलंकी शासकों में मैंने आपको बताया था, तो भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी आक्रमण करते हैं और भीम प्रथम को पराजित करते हैं। और फिर जो है ये जितने भी संपदाएं इनको मिलती हैं, बहुत सारा सोना कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सोना था,
तो उन सबको लूटने का काम महमूद गजनवी का होता है। महमूद गजनवी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इनके ही साथ, महमूद गजनवी के ही साथ अरबी लेखक जो आया था उसका नाम था अल बरूनी। ठीक है, तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत में आता है। महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी कवि रहते थे, एक कवि और थे उतबी। तो दो तीन नाम ये सब याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे, जो फिरदौसी कवि हैं ये किसके दरबार में थे, तो आंसर याद रखिएगा महमूद गजनवी। उतबी किसके दरबार से संबंधित है, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी। अल बरूनी किसके दरबार के कवि थे, तो आंसर याद रखिएगा महमूद गजनवी। अब देखिए महमूद गजनवी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं हम लोग मोहम्मद गोरी। देखिए महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में एक ही बेसिक डिफरेंस रहा है कि महमूद गजनवी का भारत में जो भी आक्रमण होता है वो केवल और केवल संपदा और धन ऐश्वर्य के लिए होता है, संसाधनों के लिए ही ये आक्रमण करते हैं। इनका कभी उद्देश्य नहीं रहा भारत में आक्रमण करने का कि ये भारत पर अपनी शासन सत्ता को स्थापित करें। जबकि मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण होता है भारत में, याद रखिएगा केवल और केवल भारत में तुर्क सत्ता को स्थापित करना इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। इसके तहत मोहम्मद गोरी का भारत में आक्रमण होता है 12वीं शताब्दी में। कहा जाता है कि 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी का जो भारत पर आक्रमण होता है उसका एकमात्र लक्ष्य भारत पर अपनी तुर्कों की सत्ता को स्थापित करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अरबियों की सत्ता को स्थापित किया गया, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं क्या, तुर्कों की सत्ता को स्थापित किया गया। अब देखिए मोहम्मद गोरी ने केवल यहाँ पर भारत में तुर्की सत्ता की नींव डाली थी, इन्होंने इसको पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो इसको फैलाया नहीं था। अब मोहम्मद गोरी का गुलाम जो होता है, मोहम्मद गोरी जब यहाँ से जाते हैं तो वो अब समझिए कि अपना, जैसे कि अपना प्रभार जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को देकर फिर अपने दूसरे देश जहाँ से आए थे वहाँ अपना संचालन कर रहे होते हैं, तो यहाँ इनका जो भी गुलाम होता है उसको शासन सत्ता की बागडोर ये देकर जाते हैं। इसीलिए यहीं से आपको खूब अच्छे से ध्यान देना है कि जिस वंश का उदय होता है भारत में उसको कहते हैं गुलाम वंश, या इसी को कहते हैं मामूलक वंश। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि मामूलक वंश या गुलाम वंश दोनों का एक ही नाम है। अब गुलाम वंश में जो पहला, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है, मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम को पूरी बागडोर दे दी और अपने ये देश लौट जाते हैं। इनका जो गुलाम होता है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए जिस वंश को ये आगे ले जाते हैं उसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, जैसा हम लोगों ने देखा, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है, ओरिजिनल जो इसका नेम है, वो है मामूलक वंश। तो मामूलक वंश या गुलाम वंश के सबसे पहले राजा के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने कभी भी अपने आप को एक छत्र सम्राट के रूप में घोषित कभी नहीं किया। इन्होंने मलिक और सिपह सलार जैसी उपाधियां धारण की। तो मलिक उपाधियां इन्होंने धारण की थी, सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। कहने का मतलब ये है कि किसी का एक सहायक, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो सिपह सलार उपाधि इन्होंने धारण की थी, मलिक की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा लाहौर में बनाई थी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी वो लाहौर में स्थापित की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है कि बहुत उदार प्रकृति के थे। मतलब लाखों बार अगर कोई गलतियां करे तो भी ये कहा जाता है इतिहास में कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसको माफ कर देते थे। इनकी इसी प्रवृत्ति के लिए इनको कहा जाता था लाख बख्श। तो लाख बख्श किसको कहा जाता है, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगली बात कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक संत का नाम है, फिर से बोल रहा हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये जो दिल्ली में है आप सब जानते होंगे, तो कुतुब मीनार जो आप जानते हैं, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये कभी कंफ्यूज ना हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसलिए चीज यहाँ बता रहा हूँ कि इनके गुरु थे, संत थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। एक बात और इसमें आप याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। यहाँ पर नाम मैं लिख दे रहा हूँ, बख्तियार खिलजी।
तो बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था, इसने क्या किया कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय जो हमने गुप्त वंश में पाल वंश में देखा था, गुप्त वंश के बाद पाल वंश में जो हमने देखा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला यही था बख्तियार खिलजी। तो तीन चार बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। जैसे हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वर्ष इसका देखिए, वर्ष यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं कि 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में रखी थी, लाहौर कर रखी थी। इन्होंने मलिक और सिपा सलार जैसी उपाधि धारण की थी। चूंकि ये बहुत उदार प्रकृति के थे, इसलिए इनको लाखबख्श कहा जाता है। याद रखिए, इन्हों को ही गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। और अगली बात ये कि इन्हीं के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया था। ठीक, बस इतनी सी बात आपको कुतुबुद्दीन ऐबक में याद रखनी है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है भाई साहब, इल्तुतमिश इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, गोरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो पहली बात, चूंकि देखिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो आंसर याद रखिएगा इल्तुतमिश। एक बात और, मोहम्मद गोरी ने अपने शासन काल में शुरू किया था इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि जो भी उच्च पदों पर जो भी सैनिक कार्य कर रहे हैं, सैनिक नहीं कहा जाए उनको, अधिकारी कहिए, कि उच्च पदों पर जो भी अधिकारी कार्य कर रहे होते हैं उनको जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था जागीर के तौर पर, उसी पर वो अपना सारा संचालन करते थे, उससे जो भी राजस्व होता था अपना वेतन निकाल लेते थे और बाकी राज्य को, सरकार को या राजा को वापस कर देते थे। तो ये इक्ता व्यवस्था थी। तो इक्ता व्यवस्था याद रखिएगा प्रारंभ किया था मोहम्मद गोरी ने। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद गोरी को। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जो इक्ता व्यवस्था को शुरू किया उसको इल्तुतमिश ने पूरी तरह से व्यवस्थित स्वरूप देके उसको लागू किया। तो पूर्ण रूप से या व्यवस्थित रूप से इक्ता व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जिस राजा को जाता है वो है इल्तुतमिश, और इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का क्रेडिट जिसको जाता है वो है मोहम्मद गोरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इल्तुतमिश के बारे में ये बात है कि इल्तुतमिश जो है कहा जाता है इसने खलीफा से पदवी प्राप्त की थी राजा के तौर पर। मतलब खलीफा, आप जानते हैं कि ये मुस्लिम धर्म का ये धर्म गुरु के तौर पर खलीफा को जाना जाता था। तो कहा जाता है कि इसने बगदाद के खलीफा से इसने शासन करने के लिए मान्यता प्राप्त की थी। इसीलिए ये, जैसे आप यहाँ पर देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वे सिपा सलार और ये मलिक और सिपा सलार जैसी उपाधियाँ धारण करता है, जो अपने आप को पूर्ण रूप से शासक घोषित नहीं करता। जबकि याद रखिए, इल्तुतमिश जो है ये अपने आप को पूर्ण रूप से राजा, स्वतंत्र राजा के तौर पर घोषित करता है, जो इल्तुतमिश होता है। और ये वास्तव में बहुत शानदार तरीके, शानदार क्या क्यों कहें कि बहुत प्रभावशाली तरीके से शासन करता है। मतलब अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है, और इसी प्रयास में इल्तुतमिश जो है वो अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली लाता है। तो यहां से पहली बात कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो आंसर याद रखिएगा इल्तुतमिश ही है। इल्तुतमिश ने अपने शासन को बेहतरीन तरीके से ले जाने के लिए दल चालीसा का गठन किया। दल चालीसा, जिसको तुर्क ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया या दल चालीसा का गठन किसने किया, तो आंसर याद रखिएगा इल्तुतमिश। अब यहाँ पर क्या था कि दल चालीसा में होता क्या था कि 40 इतने धुरंधर सैनिक और यूं कहें कि सदस्य होते थे उसकी सेना में, जो कि मतलब किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकते थे। तो ये दल चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। इल्तुतमिश ने एक प्रभावशाली काम और किया, इसने चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतर चलाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चांदी का जो टंका है ये किसने चलाया, तो ये याद रखिएगा इल्तुतमिश ने, और तांबे का जो जीतल है, ये जो सिक्के होते थे, तो ये तांबे के सिक्के को जीतल और चांदी के सिक्के को टंका, तो ये दोनों इल्तुतमिश के कारण ही इल्तुतमिश के शासन काल में चलाए गए।
इल्तुतमिश का ये जो दल चालसा था ये काफी प्रभावशाली था, और इसकी वजह से आप इसका कार्यकाल भी देख सकते हैं कि 1210 से 1236 तक एक लंबा कार्यकाल आप कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि 1206 से 1210 इधर भी देखेंगे 36 से 40, तो उस कंपेरिजन से आप देखेंगे इल्तुतमिश काफी प्रभावशाली राजा के तौर पर आपको दिखाई देता है। अब इल्तुतमिश के बाद इतिहास में एक छोटे से शासक का नाम आता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इसके बाद रजिया सुल्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, जिनका शासनकाल लगभग 1236 से 1240 तक चलता है। रजिया सुल्तान भटिंडा के इक्तेदार होते हैं, सूबेदार होते हैं भटिंडा के, जिनका नाम होता है अल्तुनिया, तो अल्तुनिया से रजिया सुल्तान का विवाह होता है। रजिया सुल्तान के उल्लेख पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि रजिया सुल्तान जो है वो भारतीय इतिहास में पहली महिला मुस्लिम शासिका है, तो पहली बार किसी महिला ने, असल में हुआ क्या था कि रजिया सुल्तान ने वहाँ के अमीरों से समर्थन प्राप्त किया था शासन चलाने के लिए, तो अमीरों ने समर्थन दिया था, इस वजह से रजिया सुल्तान ने शासन करना शुरू किया। तो रजिया सुल्तान काफी प्रभावशाली यूं कहें कि राजा के तौर पर साबित होती हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया, और ये इतिहास में केवल इसीलिए जानी जाती हैं कि भारतीय इतिहास में ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के तौर पर रजिया सुल्तान का नाम हमको देखने को मिलता है। अब रजिया सुल्तान भी प्रभावशाली न हुई और जिनकी वजह से आप छोटे छोटे कुछ राजाओं को इस बीच आप उनका शासनकाल देखते हुए नजर आएंगे, कुछ राजा जैसे बहराम शाह, इनका भी कार्यकाल लगभग 2-3 साल का चला था, फिर मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, तो ये कुछ नाम है जो आपको थोड़े से याद रखने हैं कि बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद, इनका भी कार्यकाल आपको इन्हीं के बाद, रजिया सुल्तान के बाद ये क्रम से इनका शासनकाल आपको दिखता है, बस 4-4 साल, 2-2 साल, 6-6 साल के लिए इनका टेन्योर आपको नजर आता है। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट राजा है जो आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे भाई गुलाम वंश के ही चल रहे हैं, तो अभी गुलाम वंश पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक राजा आता है बलबन, जिसका कार्यकाल चलता है 1266 से 1286 तक। अब बलबन के बारे में काफी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से आपके लिए हैं कि देखिए बलबन जो था ये जैसे इल्तुतमिश का शासन था इससे भी मजबूत तरीके से लोगों पर अपना शासन जो है वो पकड़ लोगों पर मजबूत करने के उद्देश्य से अगर आप देखें तो बलबन का शासन भी काफी कुछ इल्तुतमिश से मिलता जुलता है। जैसा कि मैंने बताया कि इल्तुतमिश ने जो तुर्के चहलगानी या दल चालसा का गठन किया था वो बलबन ने आते ही तुर्के चहलगानी और दल चालसा को समाप्त कर दिया। खास बात यह है कि बलबन जो है वो इल्तुतमिश के दल चालसा का एक सदस्य बलबन भी था, तो बलबन जानता था कि ये जो तुर्के चहलगानी है ये या जो दल चालसा ये काफी प्रभावशाली है, तो शासन सत्ता में ये दल चालसा का रोड़ा ना आए, इस वजह से बलबन ने शासन सत्ता को संभालते ही दल चालसा या तुर्के चहलगानी को समाप्त कर दिया। अब बलबन जो है ये पूर्ण रूप से मतलब बहुत जिसको कहते हैं कि मोनोपोली, जिसको बोलते हैं एकाधिकार, कुछ इस तरीके का शासक होता है जिसने कुछ प्रथाएं अपने राज दरबार में शुरू की, जिसको हम लोग देखते हैं जैसे सिजदा और पाम्बोस। अब जैसे सिजदा, पाम्बोस, ये सब प्रथाएं ऐसी होती हैं कि जैसे जब भी कोई दरबारी आएगा राजा के दरबार में तो ऐसे मतलब वो मतलब राजा को पीछ नहीं दिखाएगा, चूमते हुए आएगा, तो इस तरह से जो ईरानी प्रथाएं थी सिजदा और पाम्बोस जैसी प्रथाओं को बलबन ने शुरू कराया अपने दरबार में। बलबन ने ही याद रखिए राजत्व का दैवीय सिद्धांत शुरू किया, राजत्व का सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत, मतलब इसने कहा कि जो राजा होता है ये ईश्वर का ही एक छाया होती है, ईश्वर की ही छाया होती है, ईश्वर का आदेश होता है, तो राजा के आदेश की अवहेलना नहीं हो सकती। बलबन एक ऐसा शासक था, याद रखिए, जो अपने शासनकाल में कहा करता था कि जब भी मैं भूखे और नंगों या गरीबों को देखता हूं तो अचानक अनायास ही मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। इससे भी आपको ये आभास हो सकता है कि ये पागल किस्म का राजा था, मतलब बहुत ही दिवालिया टाइप था, दिवालिया नहीं कह सकते इसको, पागल टाइप राजा था जो अपनी ही धुन में रहता था। तो ये जैसे ईरानी प्रथा, जैसे सिजदा पाम्बोस को इसने शुरू किया, राजत्व का दैवी सिद्धांत शुरू किया, ये भी बात हमको बलबन में याद रखनी है, और दल चालीसा को भी ये समाप्त करता है, ये बात भी बलबन में याद रखनी है। बलबन ने सैन्य विभाग के लिए जैसे दीवाने अर्ज, यहाँ पर देखिए दीवान ए अर्ज, तो सैन्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए इसने एक अलग विभाग की स्थापना की, अलग मतलब नाम से, इसका नाम था दीवाने अर्ज।
तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की, जो सैन्य विभाग से संबंधित था, इसने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। तो बलबन ने, बलबन के बारे में हमने इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखी कि बलबन के बारे में 3-4-5 पॉइंट जो भी हमने यहाँ पर देखा वो हमको याद रखना है, ठीक है। तो अभी मध्यकालीन इतिहास चल ही रहा है, चलेगा ही, जिसमें हमने गुलाम वंश को समझा। गुलाम वंश में हमने मेजरली हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, इल्तुतमिश को देखा, फिर रजिया सुल्तान को देखा, फिर हमने ये तीन राजाओं को देखा, फिर हमने बलबन को देखा। अभी आगे की क्लास हम लोग और करेंगे, फिर हम लोग बलबन से आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर बनाते चलिए, नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा भाई। तो नोट्स बना के अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।